आज से फिरोजाबाद के तिलक इंटर कॉलेज में नगर निगम द्वारा दीपावली महोत्सव मेले का आयोजन शुरू किया गया है। इसमें लगभग 60 इंस्टॉल लगाई जाएंगी। इन्हीं में से एक न्याय विभाग जिला जज द्वारा विधिक सेवा कैंप भी लगाया गया। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य लोगों को विधिक सहायता प्राप्त करवाना और उनके समक्ष आ रही न्यायिक समस्याओं का समाधान भी बताया जाएगा। इस कैंप का उद्घाटन सिविल जज मीनाक्षी सिन्हा ने फीता काटकर किया। उन्होंने बताया यह कैंप अमृत महोत्सव के तहत 14 नवंबर तक जारी रहेगा और इस मेले में मेला समाप्ति तक विधिक कैंप भी जारी रहेगा। कोई भी व्यक्ति अपने विधिक समस्या के समाधान हेतु यहां उपस्थित सलाहकार से अपनी सलाह ले सकते हैं। ये सारसा द्वारा आयोजित है। जैसे आपको पता है कि अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है। 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक हमारे यहाँ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें हम जन जन तक विधिक साक्षरता और सहायता पहुँचाना चाहते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में इस प्रदर्शनी में हमने ये कैंप लगाया है, जिसमें लोग आएँ और उनको निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में हम बताते हैं और महिलाओं से संबंधित अधिकारों में या उनके जो अधिकारों का हनन हुआ है उनको जानकारी देने के लिए हमारे ये पीएमजीज हैं, वो यहाँ नियुक्त हैं। वो उनको जनजन तक जिस किस तरह से विधिक सहायता वो प्राप्त कर सकते हैं उनके बारे में बताएंगे। कितने दिन तक चलेगा ये आपका? ये हमारा शिविर तो ये अमृत महोत्सव आयोजन 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक का है। इसके 14 नवंबर तक का है। इसके बाद भी ये तो सतत कार्रवाई है, मतलब सतत कार्यक्रम है, क्योंकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक स्थायी संस्था है जहाँ पे लगातार ये कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं, बट ये जो आयोजन है वो 14 नवंबर तक है। देखिए, ये सरकार के आदेश पर सभी नगर पालिकाओं में, सभी नगर निगमों में विकास उत्सव, जिसको दिवाली उत्सव के रूप में भी इस तिथि को मनाया जा रहा है, और उसके उसी के क्रम में यहाँ पर नगर निगम तिलक इंटर कॉलेज में आज ये बड़ा सजावट के साथ से, सारे स्टॉल के साथ साथ ये कार्यक्रम की तैयारी की गई है, जिसकी शाम को 4 बजे इसका एक वृहद उद्घाटन समारोह भी है। और इसी के साथ साथ अन्य नगर पंचायतों में भी सब अलग अलग समय पर इस तरह का जो आयोजन है उसका शुभारम्भ माननीय गणों द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि जनपद के सभी वासी इस मेले को आके जरूर देखें और साथ साथ वैक्सीन के जो कैंप लग रहे हैं अपना कोविड का वैक्सीनेशन भी जरूर कराएं। मैं आज इस के माध्यम से मैं अपील भी दोबारा से कर रहा हूँ। कल हम लोग कुछ मोबाइल वैक्सीनेशन वैन के माध्यम से भी शुरू कराने जा रहे हैं, जिससे वो गाड़ी जो है वो पूरे क्षेत्र में अलग अलग जगह घूमती रहेगी शहर में और वैक्सीन जो है उसको लोगों के और नज़दीक आ जाएगी और वैक्सीन ईजीली लगा सकते हैं। और इसके अलावा सभी कैंप्स जो लगे हैं उसमें सब लोग पूरी तैयारी से अपने जाएं और अपना वैक्सीनेशन कराएं।